नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं अपनी हीरो एक्सप्लस की सीट मॉडिफाई करवा रहा हूँ। सीट में काफी इशू बताते हैं सभी लोग और मुझे भी फील हुआ, इसमें काफी हार्ड फील होती है सीट। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये देख सकते हो आप लोग, पहले खोलने के बाद ये एक पॉलीथिन निकलती है इसके ऊपर से, जो कि बारिश में भीजने से इसको बचाती है। तो इसकी जो सीट क्वालिटी है काफी अच्छी बता रहे हैं अंकल। तो ये फोम की जो क्वालिटी है ना, काफी अच्छी क्वालिटी बता रहे हैं फोम की। ऐसा नहीं है क्वालिटी बेकार है, पर क्या है कि देखो आप लोग देख सकते हो, ओनली 1.5 इंची है बस जो इसकी हाइट है, 1.5 इंच है। तो हाइट की प्रॉब्लम है, अगर हाइट इसकी थोड़ी ज्यादा दे देती कंपनी सीट की, तो बहुत अच्छा फील होता है सीट पर। कोई मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं होती सीट के अंदर में। तो इस सीट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हाइट की है, तो हाइट कम दे रखी है इसमें आप लोगों ने देखा है जैसे कि। तो इसलिए हम इसको थोड़ा कटिंग करवाएंगे भी, फ्रंट फ्रंट से फ्रंट वाली सीट कट करवाएंगे हम, और ज्यादा भी नहीं करेंगे इसको, क्योंकि नीचे फिर ये हार्ड फील होएगा जो कि नीचे का जो पार्ट ने चुभने लग जाएगा। देख सकते हो आप लोग, कट हो गए, आ गई हमारी सीट, ये करीब 1.25 इंच कटिंग हो गई है हमारी सीट, पूरी फ्रंट फ्रंट की कट चुकी है हमारी। देख सकते हो आप लोग कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितनी अच्छी तरह से कट हुई है हमारी सीट। अब इस पर करीब 1 इंच फोम रखी जाएगी ऊपर से, ये आधा इंच फोम है, आधा इंच कट कट गई है फ्रंट फ्रंट की, और ये आधा इंच पूरी सीट पे हो जाएगी, एक आधा इंच आगे आगे हो जाएगी और एक आधा इंच पूरी पर, टोटल मिला के फ्रंट पर 1 इंच हो जाएगी और पूरी सीट पर हमारी आधा इंच हो जाएगी। ये सॉल्यूशन होता है जो इसको फोम को चेप देता आपस में। तो ये सॉल्यूशन लगा दिया गया इस पर, और जो एक्स्ट्रा था हमारा फोम उसको कट कर दिया गया। ये देख सकते हो वैसे ही सीट की शेप में कर देगा इसको, बिल्कुल जैसी सीट है वैसे शेप में हो रहा है। ये फ्रंट में देख सकते हो आप लोग, 1 इंच हो गया पूरा, और अब एक आधा इंच पूरी पर हो जाएगा, ये डबल हो गई आगे जो फोम है ना, डबल रख दी गई है कटिंग करके, और एक ही आधा इंच पूरी पर हो गई है पूरी सीट पर। कोई कट पीस नहीं लिखेगा, पूरी सीट एक ही शेप दिखेगी ऊपर से देखने पर। तो अब जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है उसको, एक्स्ट्रा को हम हटा देंगे इसको। ये देख सकते हो आप लोग, कट हो गई है पूरी तरह से, एकदम से शेप जैसी थी वैसी ही आ जाएगी सीट की। जितनी भी एक्स्ट्रा हमारी सीट उसको कैची से काट दिया गया है। अब इस पर कवर लगाया जाएगा, कवर टाइट होएगा, यूं का यूं आ जाएगा, फिटिंग आएगी जैसे लागे निकल गया पर। कोई नहीं। देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल वैसी वैसी फिटिंग हो गई है हमारी जैसी पहले थी। और अभी अंकल जी स्टेपलर मार देंगे इसको, बिल्कुल वैसी फिटिंग में आ जाएगी। इसके ऊपर दूसरा कवर लगने के बाद तो और टाइट हो जाएगी वैसे अंकल जी। जरूरी है कवर भी इसकी सेफ्टी के लिए, जरूरी है। तो जो कवर आएगा कंपनी का, उन ऊपर लगवा दो इसके, उन पर जहाँ पहले थे वही होगी सेट बिल्कुल। एक बुलेट की और करवानी है क्लासिक की। ओ भाई गणेश, हाँ, डबल होगी ना उसकी, ऐसे ही करनी है पड़ गए उस पर। क्या करना आपने, 2 इंच रखनी है इस पर, 1 इंच रखी है। हाँ हाँ इस पर 2 इंच रखनी है, ना कवर फिट नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी, और नीचे से ज्यादा काट भी नहीं सकते उसके, और नीचे से काट भी सको ना ज्यादा उसके ऊपर, उसकी तो इतनी ऊंची होती है उसमें ऑप्शन है, इसमें नहीं है। करीब करीब 4-5 इंच है ना उसकी तो सीट, 4 इंच है, 3.5 3 4। हाँ बिल्कुल, अब बढ़िया है, पिछले वाले ने भी मजा आएगा अब तो बैठने में। हाँ पीछे भी ना हो।
जब तो जो भी देखा सीट ने देखने के बाद बाइक में मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। पिन लगने लग रही है अभी, पिन से पूरी जैसी पहले थी ना वैसी सीट हो जाएगी अभी हमारी, बिल्कुल पहले वाली शेप में आ जाएगी, बिल्कुल वैसी ही फिटिंग कर दी अंकल ने, देख सकते हो आप लोग इसमें पिन से टाइट कर दी गई है, बिल्कुल जैसी थी वैसी ही हो गई बिल्कुल अब सीट, ये देख सकते हो आप लोग बिल्कुल हमारी सीट जैसे पहले थी ऐसे ही परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। और ये शॉप का एड्रेस है देख सकते हो आप लोग, ये ऊपर नंबर मेंशन है शॉप का, तो बिल्कुल ऐसे ही अब मैं बैठ के देखता हूँ तो मुझे काफी अच्छी फील हुई है, बिल्कुल शॉप पे पहले से अच्छी है तो एकदम परफेक्ट हो गई अब दोस्तों।